हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है वो है कोरियन स्किन केयर पर, और ये बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। जो भी है वो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। लेकिन मैं वीडियो स्टार्ट करूँ उसके पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जब भी नेक्स्ट टाइम वीडियो अपलोड करूँ आप सब तक पहुँचे। तो बिना किसी देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मैं इस शीट मास्क के बारे में बात करने वाली हूँ, जो कि है मिराबेल का चारकोल प्रीमियम फेशियल शीट मास्क, और ये मेड इन कोरिया। और ये ऐसा क्लेम करते हैं कि ये शीट मास्क ऑयल कंट्रोल और पोर कंट्रोल करने के साथ साथ फेस पर डीप क्लेंजिंग भी करता है, फेस से डर्ट यानी कि गंदगी हटाता है, ऑयल कंट्रोल करता है और फेस पे फेयरनेस देता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये मैन और वुमेन दोनों ही यूज़ कर सकते हैं, और ये मेड इन कोरिया है। और इसका प्राइस जो है 149 रुपीज़ है, क्योंकि मैंने इसे डिस्काउंट में ख़रीदा था तो ये मुझे 99 रुपीज़ का मिला। अब बात करते हैं इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं। तो इसमें ये सारे चीज़ें इसमें हैं, जो कि है वाटर, ग्लिसरीन, ड्राई प्रोपिलीन, ग्लाइकॉल, नियासिनामाइड, कैस्टर ऑयल। मैं बीच बीच से बता रही हूँ, इसमें बहुत सारी चीज़ें, आधी चीज़ें तो मुझे पता नहीं कि क्या है। लेकिन इसमें एक चीज़ मुझे ये समझ में आ रही कि इसमें बहुत सारी चीज़ों का एक्सट्रैक्ट है, जैसे फ्लावर का है, सीड का है, लीफ का है, इन सारी चीज़ों का एक्सट्रैक्ट है इसमें। और इसमें कई तरह के विटामिन है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप इसको यहाँ से पढ़ सकते हैं। ये तो बात हो गई प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन के बारे में। अब बात करते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करना है। तो इसको अप्लाई करना बहुत सिंपल है। पहले अच्छे से फेस को वॉश कर लेना है, और उसके बाद फेस को अच्छे से ड्राई कर लेना है, ताकि फेस पे कोई भी डर्ट हो पहले से तो वो क्लीन हो जाए, फेस क्लीन हो इसको अप्लाई करने से पहले। उसके बाद ये शीट मास्क अपने फेस पे लगाना है, और ये इस तरह से लगाना है जैसे मैंने इसमें दिखाया हुआ है। मैंने इसके पहले मिराबेल का पपाया शीट मास्क यूज़ किया था, उसमें मुझे सीरम की क्वांटिटी ज़्यादा लगी, इसमें मुझे सीरम थोड़ा सा कम लगा। बट ओके है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सीरम होने की वजह से बहुत ज़्यादा गिरता भी। जो भी एक्स्ट्रा सीरम है मैं उसको अपने हाथ में या फिर जो भी नेक एरिया वगैरह पे अप्लाई कर लूँगी। इसको 10 से 20 मिनट तक फेस पे लगाना है, उसके बाद फेस से इसको हटा देना है। हटाने के बाद आप इससे थोड़ा देर फेस को मसाज कर लें, ताकि इसमें जो भी एक्स्ट्रा सीरम है वो आपके फेस में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। फिर इसके बाद फेस को वॉश नहीं करना है, ऐसा छोड़ देना है इसको ड्राई होने के लिए। शीट मास्क हटाने के बाद मुझे अपना फेस काफ़ी ग्लोई सा फील हो रहा है। ऑब्वियसली इसमें ग्लिसरीन और दूसरी चीज़ें हैं जो कि अभी पूरी तरह से ड्राई नहीं हुई हैं, तो इसका भी रीज़न है कि फेस पे जो ग्लो है वो उसकी वजह से। सो गाइस, अब बात करते हैं मेरे खुद के एक्सपीरियंस की, कि मैंने ये शीट मास्क यूज़ किया, मेरा खुद का पर्सनली कैसे एक्सपीरियंस रहा। सो गाइस, जब मैंने ये शीट मास्क यूज़ किया, इसको रिमूव करने के बाद मेरे फेस पर इंस्टेंट जो है वो एक ग्लो तो फील हुआ, उसके साथ जो फेस पर डलनेस थी वो चली गई। मुझे फेस जो था अपना काफ़ी सॉफ्ट और फ्रेश सा फील हुआ, हाइड्रेट फील हुआ, ग्लोई फील हुआ। और दूसरे दिन जब मैंने फेस को वॉश किया उसके बाद मेरा फेस ड्राई नहीं हुआ, उसके बाद भी मेरा फेस हाइड्रेट था। एक चीज़ मुझे लग रही थी ये शीट मास्क अप्लाई करने से पहले, कि मेरे चिन पर थोड़ा दाने थे, तो मुझे लग रहा था कभी मैं इसको अप्लाई करूँ, इसमें ग्लिसरीन है, कैस्टर ऑयल वगैरह है, तो मेरे दाने और बढ़ने जाए। बट ऐसा नहीं हुआ। इवन मुझे लगा एक दाना जो अभी रिसेंटली हुआ था वो हल्का सा श्रिंक हुआ है, मैं उसको ये तो नहीं कहूँगी वो फेड हो गया है, बट हल्का सा मुझे लगा वो श्रिंक हुआ है। वो ऑब्वियसली वन टाइम यूज़ में बहुत सारे इफेक्ट नहीं आता है, तो ये चीज़ मुझे इसकी काफ़ी अच्छी लगी। इस शीट मास्क में नियासिनामाइड है, जो कि फेस में जो पोर्स होते हैं उन्हें श्रिंक करती है। बट ऑनेस्टली मैं ये कहूँगी, मैंने फर्स्ट अप्लाई में तो मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि फेस पे जो पोर्स है वो श्रिंक हुए हैं या कम हुए हैं या टोटली रिमूव हो गए हैं, ऐसा मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा। दूसरी चीज़ ये फेयरनेस का क्लेम करते हैं, मुझे वो भी नहीं लगा कि मेरे फेस पे कोई बहुत ज़्यादा फेयरनेस आ गई। जैसा मेरा कलर पहले था वैसे ही मेरा कलर आफ्टर अप्लाई भी था। हाँ, फेस पे ग्लो ज़रूर आ गया था, बट मुझे कोई भी फेयरनेस इसको अप्लाई करने के बाद नहीं फील। एक चीज़ जो इसमें मुझे और अच्छी लगी कि ये पैराबेन फ्री है, अल्कोहल फ्री है। ऑल ओवर मिला के ये शीट मास्क मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मिराबेल का मैंने पपाया शीट मास्क भी यूज़ किया था, मुझे लमसम मिला के मुझे उसी के जैसा लगा। बस एक चीज़ मुझे जो इसमें एक्स्ट्रा फील हुई वो ये कि मेरा जो पिंपल्स था वो थोड़ा सा श्रिंक हुआ, अदरवाइज इफेक्ट वाइज मुझे ये सेम लगा, इसमें मुझे कुछ भी अलग सा ऐसा नहीं लगा। सो गाइस, ये था मेरा आज का वीडियो, होप ये आपको अच्छा लगा होगा। अब मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।